बच्चों आज नारी शास्त्र का पाठ नंबर 3 क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पढ़ाया जाएगा। क्षेत्र पंचायत क्या है? कई ग्राम पंचायतों को मिलकर एक विकास खंड बनता है, इसे विकास क्षेत्र या ब्लॉक भी कहते हैं। नीचे माधोपुर विकास खंड का चित्र दिया गया है। बताइए इसमें कितने ग्राम पंचायतें शामिल हैं? इसमें 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं, तो एक क्षेत्र पंचायत बनी है। माधोपुर विकास खंड के सभी गांवों में पिछले कई वर्षों से खूब काम हो रहा है। किसी गांव में नया स्कूल बन रहा है तो कहीं कुआं खुदवाया जा रहा है, पानी की लाइन बिछाई जा रही है तो कहीं गांव की फसल जमा करने के लिए गोदाम बन रहा है। ऐसे सभी कार्यों को देख रेख के लिए माधोपुर विकास क्षेत्र के सभी गांवों ने मिलकर अपनी क्षेत्र पंचायत बनाई है। माधोपुर कस्बे के बीचों बीच इसका कार्यालय है। कार्यालय के बाहर एक बड़े से बोर्ड पर लिखा है क्षेत्र पंचायत माधोपुर। लोगों से ब्लॉक ऑफिस या ब्लॉक का दफ्तर भी कहते हैं। इस कार्यालय के क्षेत्र पंचायत माधोपुर के सभी सदस्य आकर बैठते और बातचीत करते हैं। कैसे बनती है क्षेत्र पंचायत? पिछले साल माधोपुर विकास खंड के हर गांव में प्रधान का चुनाव हुआ। 18 साल व इससे ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति ने वोट दिया। हर गांव में एक प्रधान तो चुना ही गया, क्षेत्र पंचायत के लिए सदस्य भी चुने गए। बथनी गांव में 2, मनकापुर में 4, रोहितपुर में 3 क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए। क्षेत्र पंचायत सदस्य को लोग BTC मेंबर भी कहते हैं। कुछ गांवों की महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की जाती है, जहां केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। इन्हें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कहा जाता है। माधोपुर विकास खंड के सभी गांव प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत माधोपुर बनी है। इस क्षेत्र के सांसद और विधायक भी माधोपुर क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं। इस तरह क्षेत्र पंचायत के अंदर उस क्षेत्र के सांसद और विधायक भी उस क्षेत्र की क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं। क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्यों ने अपने बीच में से एक पंचायत प्रमुख चुना है, उन्हें लोग ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं। सभी पंचायत सदस्यों ने आपस में विचार विमर्श करके एक उप प्रमुख व एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी चुना है। अपने ब्लॉक प्रमुख का नाम पता कीजिए। आपको अपने ब्लॉक प्रमुख का नाम अपने घर वालों से, अपने माता पिता से पूछना है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों में कोई भी 21 साल से कम नहीं है, क्योंकि इससे कम उम्र का व्यक्ति पंचायत सदस्य नहीं बन सकता। छोटी छोटी चिमटियाँ। माधोपुर क्षेत्र पंचायत ने विकास खंड के कामों में हो रहे कार्यों की देखरेख के लिए कई समितियाँ बनाई हैं, जैसे क्षेत्र की निर्माण समिति क्षेत्र के गांवों में बन रही इमारतों पर नज़र रखती है, उसके रखरखाव का ध्यान रखती है। क्षेत्र की जल समिति सभी गांवों में पानी का बंदोबस्त देखती है। यदि किसी गांव में पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो वहां हैंडपम्प लगाने या पानी की लाइन बिछाने के लिए क्षेत्र पंचायत को राय देती है। 7, क्षेत्र की शिक्षा समिति स्कूलों में जाकर उनकी समस्याओं की जानकारी लेती है। 8, क्षेत्र स्वास्थ्य रक्षा समिति क्षेत्र की बीमारियों की रोकथाम व लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करती है। हर एक समिति के सदस्यों की संख्या 10 से 15 तक होती है। 6, पंचायत के कार्य। माधोपुर क्षेत्र पंचायत ने पिछले साल अनेक अपने ब्लॉक में निम्नलिखित काम करवाए। कंजारा गांव में एक खाद व बीज केंद्र खुलवाया। यहाँ के गांवों के किसानों ने अपने लिए नए बीज और खाद ले जाते हैं। सिकरा गांव में कंजारा तक 2 किलोमीटर पक्की सड़क बनाई।
जिसकी लागत लगभग 15 लाख आई। क्षेत्र पंचायत ने विकासखंड के सभी ऐसे गांवों में जहां पशु अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल नहीं थे, बनवाने का निर्णय लिया। क्षेत्र पंचायत की आमदनी। क्षेत्र पंचायत माधोपुर को अपने कार्यों के लिए धन कहां से मिलता है? करों से आया हुआ और सरकार से मिला हुआ धन बैंक में क्षेत्र पंचायत के खाते में जमा कर दिया जाता है। उसी से क्षेत्र पंचायत अपने सभी काम करती है। 5 साल तक काम करेगी पंचायत। क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यदि वे अपने क्षेत्र के गांवों के लिए ईमानदारी और मेहनत से काम नहीं करेंगे तो लोग उन्हें अगले पंचायत चुनाव में वोट नहीं देंगे। क्षेत्र पंचायत का काम पूरा करने के लिए सरकार ने पंचायत के दफ्तर में कुछ कर्मचारी व अधिकारी नियुक्त किए हैं। इनमें सबसे बड़े अधिकारी को लोग खंड विकास अधिकारी या BDO भी कहते हैं। रामराज सिंह माधोपुर के खंड विकास अधिकारी हैं। वे क्षेत्र प्रमुख के सचिव के रूप में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में माधोपुर की तरह सैकड़ों क्षेत्र पंचायतें हैं। सभी का गठन माधोपुर क्षेत्र पंचायत की तरह होता है। ये सभी पंचायतें लगभग माधोपुर की तरह काम भी करती हैं। कई विकास खंडों में क्षेत्र प्रमुख के पद महिलाओं, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षित रहते हैं। जिला पंचायत। विकेंद्रीकृत पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरह हर गांव में ग्राम पंचायत व हर विकास खंड में एक क्षेत्र पंचायत काम करती है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के हर जिले में जिला पंचायत काम करती है। जिले की सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर जिला पंचायत बनती है। जिला पंचायत के क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख जिला पंचायतों के सदस्य होते हैं। जिले के सांसद, विधायक भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं और जिला पंचायत के सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। चुनाव की प्रक्रिया। जिला पंचायत के सदस्य भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। कुछ जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। ये महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं सीटें हैं। इन पर पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकते। जिला पंचायत की एक बैठक 3 महीने में जरूर होनी चाहिए, ऐसा नियम है। जिला पंचायत के कार्य। विकास खंड का कामकाज देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्यों की छोटी छोटी समितियां बनाती है, जैसे शिक्षा समिति, सिंचाई व्यवस्था समिति, पशुपालन समिति, भूमि विकास समिति आदि। ये समितियां जिले के पशुपालन, सिंचाई, खेती व जमीनों की देखभाल का काम करती हैं। क्षेत्र पंचायत के कामों का जिला पंचायत पर्यवेक्षण भी करती है। पर्यवेक्षण मतलब देख रेख। क्षेत्र पंचायत की आमदनी। जिला पंचायत जिले की जमीनों पर कर लगाती है। मेलों और बाजारों में दुकानों का लाइसेंस देकर फीस वसूलती है। इसके अलावा उसे सरकार से भी धन मिलता है। 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था में हमने देखा कि ग्राम, विकास खंड और जिला स्तर पर पंचायत व्यवस्था कायम है। तीनों स्तरों पर प्रतिनिधियों की चुनाव प्रक्रिया, आय के स्रोत और कार्य लगभग एक जैसे ही हैं। इनमें अंतर्मुखता, भौगोलिक क्षेत्रफल, प्राप्त धनराशि का योग और कार्यों का मूल्य व समस्याओं को सुलझाने की क्षमता से है। सबसे छोटे क्षेत्र और छोटी समस्याओं के लिए ग्राम पंचायत भी है और अधिक जटिल समस्याओं के लिए जिला पंचायत। इस पूरी व्यवस्था को हम विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं।